इस जगह से जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर वो गुफा है जहाँ दर्शनों के लिए लोग आते हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कल जो आतंकवादी घटना हुई, आतंकी घटना के बाद कैसा यहाँ पर माहौल है? क्या लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? डरे हुए लोग हैं, जहाँ पे इतने बच्चे मारे गए, यात्री मारे गए, बड़ा उन्होंने ऐसा कर दिया। अभी सब डरे हुए, सस्पेंशन तो चल रहा है, शिवखुड़ी में अभी सभी आर्मी वाले घेरा हुआ है उनको। अब देखो क्या बनता है। श्रद्धालु हमारे साथ हैं, आप दर्शन करने के लिए आए हैं? हम जहाँ के स्थानीय निवासी हैं जी, जी। तो और यात्रियों के साथ साथ हम काफ़ी आहत हुए हैं, क्योंकि जो गरीब और निर्दोष लोगों पर इन्होंने कायराना हमला किया उसमें हमें भी काफ़ी दुख है। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि 20 यात्रियों के बदले 20,000 सिर काट के लाए जाएं, तभी हमें शांति मिले। कुछ श्रद्धालु अगर हो तो मुझे बताइए कि जो आज दर्शनों के लिए आए हैं, कुछ श्रद्धालु ये लंबी कतार है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल ही आतंकी घटना हुई है। आप दर्शन करने के लिए आए हैं? पंजाब से हैं मैम। पंजाब से आए हैं। कल जो आतंकी घटना हुई उसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी, कि उसके बाद क्या कोई डर का माहौल है? माहौल मैडम बहुत था रास्ते में, लेकिन बच्चे की थोड़ी जीत थी, मैंने जाना है बाबा के दर्शन करने के लिए, तो फिर हम आ गए। पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार आए हम। अच्छा, दूसरी बार दर्शनों के लिए आए हैं। डर है लोगों में, लेकिन साथ में आस्था है, श्रद्धा है, उसके चलते भी लोग दूर दराज से, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ शिवखोड़ी धाम के दर्शनों के लिए आते हैं। और एक बार फिर से कतारें दिखाने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा आप देख सकते हैं, चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय लोगों से जो जानकारी हम जुटा पाए उसके मुताबिक पहले भी मंदिर के आसपास तो सुरक्षा के इंतजाम थे, सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन जो बीच रास्ते जिसको लेकर पहले से इनपुट थे, लोगों की तरफ से जानकारी दी गई कि इनपुट था कि हमला हो सकता है, घना जंगल है, वहां पर ऐसी गतिविधियां देखी गई थी, तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए थे, कहीं ना कहीं चूक हुई है। कुछ और श्रद्धालु उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप दर्शनों के लिए आई हैं जी? कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से दर्शनों के लिए आए हैं। कल यूपी के श्रद्धालुओं के साथ जिस तरीके से वाकया पेश आया, उन पर आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद कोई डर का माहौल है? आप कुछ कहना चाह रही? हाँ भाई, डर तो है ही है यहाँ पे, मान लो डर तो लगता ही है। अब हम लोग आ गए हैं, हम लोग पता भी नहीं था सही से, अभी हम लोग देखा तो थोड़ा सा फिलता महसूस हुआ कि गलत किया यहाँ के। जो सुरक्षा यहाँ आप देख पा रही हैं, आपको लगता है कि पर्याप्त है? तो यहाँ के तो अब थोड़ा सा महसूस तो हो ही रहा है डर, कि जब रास्ते में देखा, हमें पता चला आए थे दर्शन वाले, उनके साथ हादसा हुआ तो गलत तो हुआ उनके साथ। आप पहले भी आती रही यहाँ पे दर्शन करने? हाँ जी, कई साल से आ रहे हैं, हम बराबर आ रहे हैं। पहले ऐसा था कोई माहौल आप लोगों को भी लगा? पहली बार ऐसा देखा हमने, पहले कभी नहीं देखा ऐसा। ये बात सही, हम भी कई बार आ चुके हैं, ऐसा नहीं हुआ कभी। कभी ऐसा नहीं हुआ। दशकों में ऐसा हुआ पहली बार इस इलाके में, कम से कम रियासी जिले में, कंडा जो जगह है वो, जो हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, जहाँ इस तरीके से बड़ा आतंकी हमला किया गया जिसमें 9 लोगों की जान गई है और 32 लोग घायल हुए, कुछ और लोग हैं। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, लोगों से हम लगातार बात भी करें कि आतंकी हमला कैसे हो गया, क्या कोई ऐसा इनपुट था, या पहले ऐसा डर का माहौल था, ऐसी गतिविधियां देखी गई, तो बाकी ऐसा कभी हुआ नहीं। अचानक से इतना बड़ा आतंकी हमला होना अपने आप में कई सवाल भी उठाता है, लोगों में डर भी है। देखिए, लोगों में डर तो नहीं है, अगर लोगों में डर होता तो आप देख रहे हैं इतनी कतार में लोग भोले शंकर के चरणों में हायरी लगाने के लिए आ रहे हैं। ये चोर हैं, कायराना हमला कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को ये चेतावनी देते हैं, आपने अगर हमला करना तो हम सीधे आएँ, चोरों की तरह नहीं, एक बार सीधा आके देखो तो हम आपको बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें यही दुख है कि मैं उन जितने लोगों की कैजुअलिटी है उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे, और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए हमने खाने का बंदोबस्त किया, पानी के लिए पूरा बंदोबस्त किया है। आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारा सराउंडिंग एरिया है, शिवखोड़ी है जहाँ उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, आज बंद किया था, बंद की काल थी, सिर्फ काल इसलिए थी कि जो श्रद्धालु हमारे मारे चुके हैं उनको श्रद्धांजलि के लिए। लेकिन सुरक्षा के इंतजामों को लेकर तो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मंदिर के आसपास सुरक्षाकर्मी रहते थे, बीच रास्ते को लेकर कई बार कहा कि घना जंगल है, कुछ ऐसी अनहोनी हो सकती है, क्या वहाँ पर चूक हुई है? नहीं, वो तो है, जो हमारा जो एरिया था आपने देखा होगा रास्ते में आते हुए 2-3 किलोमीटर घना जंगल है, वहाँ पर अगर हमारी आरोपी सुबह शाम या दोपहर को वहाँ पर अगर फोर्स लगाई होती आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती।
आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान करगिल में मुंह की खाने के बाद अब छदम युद्ध पर उतर आया है, बहुत लंबे वक्त के बाद इसे लेकिन हिमाकत की है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, अभी लोकसभा चुनाव बीते हैं, उसके बाद इतनी बड़ी आतंकी घटना होना? देखिए जी, हमारे जहाँ पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो हादसा हुआ है यात्रियों के साथ, तो इसकी हम लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो आगे कितनी बार हमारे हिंदुस्तान के साथ कितने बार उसको मुंह की खानी पड़ी है, तो जो आज उन्होंने जो यात्रियों के साथ हरकत की है, वो हम यही चाहते हैं, हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री से सबसे यही अपील करते हैं कि हमें जो हमारे यात्रियों की जहाँ पर कैजुअल्टी हुई है उनको मार कर ही हम उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे आतंकवादियों को, नहीं तो तब तक हमारे दिलों में चैन नहीं है। जी, लोगों में गुस्सा है, बहुत गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तानी आतंकियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, लेकिन साथ में लोगों के मन में शंकाएं हैं, सवाल हैं सुरक्षा को लेकर, साथ ही बड़ी बड़ी कतारें श्रद्धालुओं की अभी भी लगी हुई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो सालों से यहाँ शिव खोड़ी धाम के दर्शनों के लिए आते रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, तो कुछ के मन में जरूर यह ख्याल आया है कि सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त होने चाहिए, ताकि आगे भी इस धाम पर जो आस्था रखते हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो इसी तरीके से यहां पर बिना रोक टोक, बिना किसी डर के, संकोच के, यहां अपनी आस्था के मुताबिक पूजा आराधना दर्शन कर सकें। तो कुल मिलाकर यहां अभी माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन तमाम सवाल अभी भी लोगों के जहन में है। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर, दूसरा सरकार से मांग है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब इस आतंकी घटना पर जरूर देना चाहिए। शिव खोड़ी से न्यूज 18 के लिए मेरे सहयोगी चमन पलानिया के साथ मैं सुतेश नैन मोर।